वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में 2019 की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे, और ये वन लाइनर 700 प्लस क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन जनवरी से लेकर दिसंबर तक हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र किसान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कारों में जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये फिल्म है अंधा धुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक आर्यन काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर जिसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने जिस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये किया है बेल्जियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र उपभोक्ता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनावों में जिसे जीत मिली, तो ये मिली अशरफ गनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सरकारी योजना जिसके तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये योजना है भारत नेट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का विमान जो 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया, तो ये नाम है MiG-27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, तो ये की जा रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जिसे इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया, तो ये बताया गया मलाला यूसुफ जई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोर गवर्नेंस सूचकांक में जिस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये किया अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित जिस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है एग्जाम वॉरियर्स का, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये बने हैं कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पेय की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम शुरू किया, तो ये किया है ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान 2019 दिए जाने की घोषणा की गई, तो ये की गई शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई, तो ये की गई है नंदकिशोर
आचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में जिसे पहला स्थान मिला है, तो ये मिला है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में जिस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया, तो ये किया गया पिनाका Mk2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने दक्षिण एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 जीता है, तो ये जीता है अमिताभ बागची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से जिस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है ब्रह्मोस का। हाल ही में जिस देश के एक विश्वविद्यालय ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है, तो ये किया है ईरान देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो ये स्थान है 112वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है, तो ये चुना गया है मनोज मुकुंद नरवाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया, तो ये किया गया नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ऊर्जा संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया, तो ये चुना गया टोनी एन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन जिस पार्टी से संबंधित हैं, तो ये पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है सना मारिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है जोजिमिनी टुंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है, तो ये लिया है 218 फास्ट ट्रैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ, तो ये हुआ है भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को केंद्र गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है के विजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग है, तो ये रैंकिंग है 129वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है, तो ये चयनित किया गया है आबू धाबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कवि जिन्हें हाल ही में गंगाधर राष्ट्र पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है,
तो ये चयनित किया गया है विश्वनाथ प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना प्रमुख जिनके नाम पर 30 राफेल विमानों के टेल नंबर जारी किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे BS धनोआ के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का नाम है, तो ये नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिस पर वाडा द्वारा आगामी 4 सालों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये लगाया है रूस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत किया गया, तो ये किया गया अभी अहमद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार जिस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं, तो ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके द्वारा किया गया ट्वीट भारत का गोल्डन ट्वीट ऑफ 2019 कहा गया, तो ये ट्वीट किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CCPI 2019 रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला है, तो ये मिला है 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बॉलीवुड एक्टर को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किया है सुनील शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को जिस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया, तो ये सेटेलाइट है RESET-2BR-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर नया देश बन गया है, तो ये देश है बोगनविले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जिसे चुना है, तो ये चुना है ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच इंद अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जावा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, तो ये जीता है ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण जिस स्थान पर हैं, तो ये स्थान है 34वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जिस तारीख को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया, तो ये है राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को जितने वर्ष हेतु पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय माल्या के बाद जिसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है, तो ये किया गया है नीरव मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में जिस स्थान पर है, तो ये स्थान है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डेनी काय मानवतादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जिस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, तो ये किया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की मूल कंपनी का यह नाम है हाल ही में जिसने CEO सुंदर पिचाई बने हैं, तो ये हैं अल्फावेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने का घोषणा किया है, तो ये है राज्य दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा हाल ही में जिसे
जिस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है, तो ये स्टेशन है मुंबई सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह देश जो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसने हाल ही में बैलन डीआर पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर स्टंट्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम के लेखक हैं, जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है, तो ये हैं टोनी जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये संभाला है सोमा रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम के जिस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है अक्कम अच्युतम और नंबूदरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो ये ली उद्धव ठाकरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने जिस केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर ए लिए वाली नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये होगा लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 में आयोजित होने वाली नौसैनिक अभ्यास सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को उत्तरी श्रीलंका प्रांत का गवर्नर बनाया गया है, तो ये बनाया है मुथैया मुरलीधरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शहर में भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के निर्णय लिया है, तो ये लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इन्हें वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किया गया ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राज्य जिसने हाल ही में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 3 सप्ताह का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राज्य जहाँ संगाई उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला खिलाड़ी जिसको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया दलीला मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिकेट एम्पायर जिसके द्वारा लिखित पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स का हाल ही में विमोचन किया गया, तो ये एम्पायर हैं सामिन टॉफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जिस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल रात्रि परीक्षण किया, तो ये मिसाइल है अग्नि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य में 12 दिवसीय नदी उत्सव ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया, तो ये चुना गया है गोटाबाया राजपक्षे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस क्षेत्र के लिए पहले विंटर गेट डीजल बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया, तो ये किया लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की है, तो ये किया पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन-1 मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये किया है पाकिस्तान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए जिसे चुना गया, तो ये चुना गया डेविड एटन बड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो ये रहा 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है महिंद्रा राजपक्षे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये चुना गया विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किए गए पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम है, तो ये नाम है अरुण भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का ये नाम है, तो ये नाम है X-57 मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है दुती चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई 19 से 25 नवंबर तक। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है असम ने। जिस राज्य सरकार ने किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने जिस लड़ाकू विमान सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, तो ये हैं राफेल लड़ाकू विमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने जिस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये किया भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसला पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में कितने एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है, तो ये दिया है 5 एकड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश में 11वां BRICS सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये किया गया ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के जिस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया, तो ये यान है वोयेजर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की जिस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के इतिहास सम्मान के लिए चुना गया, तो ये चुना गया नासिर राज शर्मा को। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है, तो ये जारी किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2020 अंदर से 70 महिला विश्व कप का आयोजन जिस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया, तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है, तो ये किया चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने जिस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली, तो ये लिए गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई जिस पहल को लॉन्च किया, तो ये पहल है युवा पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में आधिकारिक रूप में से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है, तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया, तो ये किया है गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में जिस शहर में आरंभ हुआ, तो ये आरंभ हुआ बैंकॉक में। इन्हें हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया लीलाधर जगूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच जिस मैदान पर खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा इंडियन गार्डन्स के मैदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का वह क्रिकेटर जिस पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है, तो ये लगाया है साकिब अल हसन को, हसन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 31 अक्टूबर से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय एयरलाइंस जिसने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकार बनाया है, तो ये बनाया है एयर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें हाल ही में भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस एस बोबड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिस जो योजना को लॉन्च किया, तो ये योजना है कन्या सुमंगल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच इस नाम से 31 अक्टूबर को संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया जाएगा, किया गया, तो ये किया गया शक्ति 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि जाहिर की है, तो ये देश है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्सटर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसका सांस्कृतिक विभाग विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला के लिए देश का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो 91वीं इंटरपोल महासभा का साल 2022 में आयोजन करेगा, तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं, तो ये हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC द्वारा आरंभ की गई विशेष पुत सर्किट ट्रेन जितने दिन में भारत और नेपाल में स्थित बौद्ध स्थानों की यात्रा कराएगी, तो ये स्थान है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो यह है कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर है, तो यह है दिल्ली। नेक्स्ट है, वह पर्यावरण जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया, तो ये चुना गया चंदी प्रसाद भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का लेटेस्ट संस्करण है, तो यह है 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह IPL टीम जो सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली IPL टीम बनी, तो ये बनी है RCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ सुरुई लाल लिली उत्सव 2019 आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश की वायुसेना के बीच हवाई युद्ध अभ्यास सिन्नी मैत्री का आयोजन किया गया, तो ये किया गया भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो ये मिला 102वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बुकर 2019 से सम्मानित किया गया,
तो ये किया गया मार्गरेट एटवुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं? तो ये उन्होंने खेले हैं 100 मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया अभिजीत बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धरम गार्जियन 2019 का आयोजन मिजोरम में किया गया? तो ये किया गया भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान किसे हासिल हुआ है? तो ये हुआ है गौतम अडानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में किस खिलाड़ी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसके सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? तो यह देश है ब्रिटेन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन जिस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया गोवा में। नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जिस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की? तो ये की इथोपिया के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार साल 2018 के लिए जिसे दिया गया? तो ये दिया गया ओल्गा तोकारजुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी? तो ये देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिस वायुसेना के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया? तो ये किया है अर्जन सिंह के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत 10 स्थान गिरकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 68वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायलों के इलाज के लिए औपचारिक तौर पर जिस योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना है फरिश्ते दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिस महापुरुष के जयंती पर एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट वॉच लॉन्च किया? तो ये किया है महात्मा गांधी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और जिस आयोग ने भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को गति देने हेतु यूथ को क्लब लॉन्च किया? तो ये आयोग है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अनुसार जिस साल तक आइजोल को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा साल 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के पेलोड का ये नाम है जिसने हाल ही में चंद्रमा पर चार्ज पार्टिकल की खोज की है? तो ये की है क्लास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दक्षिण अमेरिकी देश जिसने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है इक्वाडोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट हाल ही में जिस स्थान पर आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भारत की ओर से IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सुरजीत भल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली से इस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की है, तो ये की है वैष्णो देवी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जयंती पर इस देश में डाक टिकट आरंभ की गई, तो ये की गई फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर हुए राक्षस ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो ये की राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के मुताबिक इस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया जयपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान इस राज्य को मिला है, तो ये मिला है केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में इस भारतीय पहलवान ने 96 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर एक पहलवान बन गए हैं, तो ये हैं दीपक पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार इस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है हरमनप्रीत कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की है, तो ये पोर्टल है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण इस राज्य के बाकलो में आयोजित किया गया, तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जिसके द्वारा लिखित पुस्तक रीसेट रीगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी का विमोचन किया गया, तो ये किया गया सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में जिस राज्य में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए वहाँ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये राज्य है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस उपकरण द्वारा ली गई तस्वीर से चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग के बारे में पता चला है, तो ये उपकरण है LROC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने 27 सितंबर 2019 को अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई, तो ये मनाई 21वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे देश जो पहली बार ऑनलाइन पर्यटन वीजा देने जा रहा है, तो ये है देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जिस एथलीट को IAAF द्वारा पेटेंट पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया PT उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जिसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई, तो ये की गई सरदार पटेल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला ट्वेंटी क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेट का नाम है, तो ये है नाम है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये किया पायल जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिसके द्वारा लिखित पुस्तक रिसेट ट्रिगरिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी का विमोचन किया गया, तो ये किया गया सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला महिला डाकघर जिस शहर में खोला गया, तो ये खोला गया पटना में। जिस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया अमिताभ बच्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से जिस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जिस जयंती पर उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया, तो ये किया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिस गैस से संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है, तो ये गैस है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुरस्कार जिसको फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब मिला है, तो ये मिला है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाली 16 वर्ष एक्टिविस्ट का नाम जिसने यूएन महासचिव के सामने अपने सवाल और चिंताएं रखी, तो ये रखी है ग्रेटा थनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों को अनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने जिस पहल का शुभारंभ किया, तो ये पहल है उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का नाम है, तो ये नाम है टाइगर ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख का लोक नृत्य जिसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ये नृत्य है सोडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला फुटबॉल खिलाड़ी जिसको फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया, तो ये दिया गया मेगन रेपिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो ये रचा है अमित पंघाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स 2019 में इसे आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हासिल हुआ है, तो ये हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का वह स्थान जहाँ पर होड़ी मोड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था ह्यूस्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ केंद्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ई बीट बुक नामक सुविधा आरंभ की गई, तो ये की गई चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फिल्म जिसे भारत की ओर से 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, तो ये किया गया गली बॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय गायक जिसे हाल ही में ब्रिटेन में 21वीं सदी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया सोनू निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचना को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित किया है, तो ये किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली रेस एंडू रोमन ट्राइथलन को रिकॉर्ड समय में जीत लिया, तो ये जीता है मयंक वेद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने जिस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया, तो ये किया मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस स्टार खिलाड़ी ने 150 अब प्रारूप में लगातार चौथे IBSF वर्ल्ड बिलियर्स खिताब के साथ अपने करियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीता है, तो ये जीता है पंकज अड़वाड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की स्थापना के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये हुए हैं 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक जिसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है विंग कमांडर अंजलि सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म द लास्ट कलर के लिए जिसे बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा सुखोई 30 विमान से हवा मार करने वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है अस्त्र का। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है,
तई की दिया है ताके ही को नकाओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भारत का अगला वायुसेना अध्यक्ष चयनित किया गया, तो ये किया गया आरकेएस भदौरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFA अवार्ड्स 2019 में जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब हासिल हुआ है, तो ये हुआ है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे नया राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये किया है रॉबर्ट ओ ब्रायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह जिस स्वदेश निर्मित विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं, तो ये बने हैं तेजस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है, तो ये किया है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य की पुलिस ने तत्पर नामक ऐप लॉन्च की है, तो ये किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है, तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमनॉइड रोबोट फेदर की सेवा समाप्त कर दी है, तो ये कर दिया रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अरुण जेटली स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स की घोषणा की गई, तो ये की गई उन्हें UNSCD COP14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जिस राज्य में लक्कमपल्ली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क के उद्घाटन की है, तो ये की है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में जिस राज्य में पोर्टेबल एंटी टेक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान से स्वच्छता ही सेवा नामक पहल का शुभारंभ किया, तो ये किया मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खिलाड़ी जिसे गृह मंत्रालय द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया, तो ये किया गया मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, तो ये किया है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य बना है, तो ये बना है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संगीत निर्देशक जिसे महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ये चुना है उषा खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जिसमें यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया, तो ये किया गया सियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया, तो ये किया मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश के साथ संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया, तो ये किया नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया अपनी यात्रियों के लिए जिस सेवा नामक एक योजना शुरू कर रही है, तो ये कह रही है नमस्कार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कितनी बार US ओपन का खिताब जीता है, तो ये जीता है 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया है बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस देश को बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित किया गया, तो ये किया गया भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियांका एंड्रेस्कू जिस देश की खिलाड़ी हैं, उन्होंने सेना विलियम्स को हराकर US ओपन का खिताब जीता है, तो ये खिलाड़ी हैं कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, तो ये पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके
मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हेतु एक विशेष भाग संरक्षण बल बनाने का निर्णय लिया है, तो ये राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जिस पहलवान को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई, तो ये दी गई बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खिलाड़ी जिसने सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये हैं राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 15 वर्ष शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई है, तो ये हैं हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 34वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र जांच ब्यूरो ने हाल ही में साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्र सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया, तो ये किया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में किस देश का 10वां स्थान है, तो ये है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में जिस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये किया है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें इंडिया सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जिस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, तो ये की है इंडिया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह IPS अधिकारी जिसका तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्र साहसिक कार पुरस्कार 2018 के लिए चयन हुआ है, तो ये चयन हुआ है अपर्णा कुमार का। ये थे 2019 करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।